गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम टू यू इन एसेंट ऑनलाइन क्लासेस। अपने जो एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट हो गई थी, 1.2 का नेक्स्ट है जो फोर्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पुट द ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू इनसाइड द बॉक्सेज, यानी बॉक्स के अंदर सूटेबल है जो सिंबल जो आ रहा है वो लगाना था। तो इसमें सबसे पहला है 4/-5 ब्रेकेट 16/-20। अब इन दोनों को अंदर बताना था कि ग्रेटर कौन सा है या लेस देन कौन सा है या फिर इक्वल टू कौन सा है जो सिंबल लगेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को -20 से और 16 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 × 20 - 80, 16 × 5 = -80। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सूटेबल सिंबल लगेगा इक्वल्स टू। फिर सेकेंड जो है वो क्या है, 7/14 और 14/20। इन दोनों के अंदर क्या है, सेम टू सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 20 यानी 140, 14 × 14 यानी 196। अब 196 इज ग्रेटर देन 140 तो सिंबल जो लगेगा वो ग्रेटर देन का लगेगा, यानी 7/14 से 14/20 है जो ग्रेटर देन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी इनको असेंडिंग ऑर्डर में है जो रिप्रेजेंट करना था। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर जो हैं, जैसे फ्रैक्शन में अपने को दे रखा है 3/5 - 4/35 - 2/7, इनके अंदर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5, 35 और 7, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 35। अब इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 3/5 के डिनोमिनेटर बनाना है अपने को 35। तो क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अब फ्रैक्शन बन जाएगा 21/35। फिर -4/35, इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 35 है तो छोड़ो। फिर अगला जो है 2/7, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपने को डिनोमिनेटर है जो 35 बनाना था तो 2/7 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/5 = 35, 2/5 = 10, यानी फ्रैक्शन बन जाएगा 10/35। अब इनको अगर ऑर्डर में लिखें तो नेगेटिव नंबर पहले सबसे स्मॉल होता है, तो सबसे पहला आ जाएगा क्या, -4/35, फिर उससे बड़ा आ जाएगा 10/35, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 21/35। फिर इनका अगर सही फॉर्म में देखें तो सही में जो 4/35 है वो तो एज इट इज़ 10/35 की पहले की जो फॉर्म थी वो है 2/7 और 20। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू द लेफ्ट एंड द विच ऑफ द आर राइट साइड ऑफ 0, यानी नंबर लाइन के अंदर अगर अपन देखें तो 0 के राइट साइड के अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड के अंदर सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले अपने को दो एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको बताना है कौन सा लेफ्ट साइड में है कौन सा राइट साइड में। पहला है 3/2, दूसरा है -375/-115। तो ये जो हैं ये अपने क्या होगा, ये जो हैं इसमें क्या है, 3/2 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कौन सी साइड में आएगा, अपने राइट साइड के अंदर आएगा। फिर इसमें जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव होता है। माइनस को जैसे ही माइनस में करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। तो ये कौन सी साइड में आएगा, राइट साइड के अंदर आएगा। थैंक यू।